आज मैं बात करने वाला हूं एक बीमारी के बारे में जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन का छोटा भाई। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और उसमें काफी सारे लोग हमें पूछते रहते हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, अप्रॉक्सीमेटली 35 साल का व्यक्ति था, और उसका कहना था कि पिछले 5-7 साल से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और इतनी भी तकलीफ नहीं है कि मैं कुछ मतलब घर में लेटा हूं, मगर तकलीफ है। ऐसा लगता है कि भाई अपने को इतनी इच्छा शक्ति नहीं है, ऐसा लगता है कि कभी बहुत एनर्जी नहीं है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, अभी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, मैंने बैंक में भी मैं नौकरी कर रहा हूं और बैंक में भी मुझे अच्छा स्केल है, मगर ऐसा बहुत उत्साहित नहीं रहता, जोश जुनून नहीं रहता है कोई भी चीज करने के लिए। ऐसा चलो कूद पड़े ऐसा कभी नहीं होता। मैं लोगों को देखता हूँ कितना जोश रहता है, कितनी एनर्जी रहती है। मुझे लगता है कि बस खींचो, आज का दिन आ गया, उठे खींचो आज का दिन भी, सर्वाइवल चल रहा है रोज का, और फिर मजा नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कुछ नहीं है, मतलब मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, शादी हुई है, एक बच्चा है 3 साल का, अभी मैं कार अभी लेने वाला हूँ और कार के लिए अप्लाई किया, लोन मिल जाएगा बैंक से हमारे, मगर ऐसा लगता है कि कुछ तो भी तो मिसिंग है, कुछ तो भी नहीं है। उतनी मजा नहीं आ रही, उतनी खुशी नहीं आ रही। हम जाते हैं होटल में तो लोग कैसे गाना गाते रहते हैं, उत्साह से ऑर्डर देंगे। मुझे लगता है कि कोई चीज़ के ऑर्डर भी देना है मेनू कार्ड देख के तो ठीक है यार, जो भी आपको देना है दे दो, मैं खा लूँगा। या कोई पिक्चर के लिए भाई पूछते हैं कौन सी पिक्चर जाना है, चलो आप जो बोलेंगे उसमें चले जाऊँगा। मतलब इस तरह का मुझे लगता है, ऐसा कोई मजा नहीं आती, जोश नहीं है, ऐसा उसने बोल रहा था। और फिर इसलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी में मैं कर नहीं सका। फिर मैंने उसको उसके बचपन के बारे में पूछा, मुझे बचपन में भी ऐसा मुझे बोलते थे कि ये जरा स्लो है, मगर मैंने अच्छी एग्जाम मतलब एग्जाम में भी अच्छे मार्क मिला है, बोले मैं ऐसा नहीं है, मगर लोग बोलते थे ये स्लो है, थोड़ा सा मंदबुद्धि का है, क्या है ये, डल है, ऐसे ही बोलते थे। और मेरी काफ़ी सारी टेस्ट भी करवा लिया था, थायराइड कर लिया था, सब जो रिलेवेंट टेस्ट है वो सब कर लिया था, वो सब नॉर्मल थी। तो भी मगर मैंने आपका वीडियो सुना इस टाइम के बारे में, तो भाई मैंने सोचा कि भाई आपको पूछे इसके बारे में क्या है। तो फिर उसको जब मैंने और पूछा सवाल, तो एक क्लासिकल डिस्थाइमिया की केस में ये बैठ रहा था, डिस्थाइमिया का डिप्रेशन। तो डिस्थाइमिया एक छोटा भाई है डिप्रेशन का, मतलब उसमें लो मूड रहता है, खाने की इच्छा कम रहती है, मतलब सभी डिप्रेशन के सब लक्षण रहते हैं, मगर वो यदि 2 साल से ज़्यादा है तो उसको हम डिस्थाइमिया बोलते हैं। और डिस्थाइमिया से वो इनकेपेसिटेट नहीं होता, मतलब घर में बैठा है, लेटा हुआ है, ऐसा नहीं, चल रहा है, खींच रहा है, जीवन चालू है, मगर मजा नहीं है, या जितना जोर जोश है, मतलब जितना रिजल्ट पैदा कर सकता है, जितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, उतना रिजल्ट पैदा नहीं करता हो, उसमें भी उसको प्रॉब्लम आते रहते हैं। बच्चों को भी अपने ऐसा लगता है कि भाई अपना जो पिताजी है मतलब वो इतना एक्टिव नहीं, बाकी देखो माँ बाप कैसे रहते हैं एक्टिव, देखो हमारे पिताजी, मतलब बच्चे भी कंप्लेन करते रहते हैं। तो इस तरह का उसका जीवन है। मतलब ठीक है, आप अभी ऐसा करो कि एक तो मैं आपको दोनों भी दूंगा, तो एंटी डिप्रेशंस भी दूंगा और साइकोथेरेपी दूंगा। मैंने उसको एंटी डिप्रेशंस दी, और मैंने एंटी डिप्रेशन में भी काफ़ी सारा मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी डिप्रेशन दिया, वो इसलिए कि हमको अभी एक 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 ट्राई करने का नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है। टाइम नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो बोलता है कि मुझे यदि आप मैं एक आध महीना दवा लूंगा और नहीं दवा लूंगा तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मैं समझ जाऊंगा, मतलब उसने मेरे को ऐसे धोस मार दिया। तो मुझे एक महीने में रिजल्ट देना है उसको, तो मैं ठीक है मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, एक महीने के अंदर मुझे तो एक महीना दे दे। तो उसको मैंने एक महीने में उसको मैंने 3-4 टैबलेट का कॉम्बिनेशन एक साथ दिया एंटी डिप्रेशन का, उसमें हाई मूड करने भी टैबलेट दिया, और उसके साथ साथ मतलब मैं आपसे बात करूंगा, और उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी दिया। एक महीने में वो कितना सारा फर्क पड़ गया, बोले मैं 70-80% मुझे अभी फर्क दिखाया जा रहा है, लोग मुझे बोल रहे अभी तुमको हुआ क्या, क्या किया तुमने, क्या चमत्कार हो गया, ऐसा लोग पूछ रहे, बोले एक महीने में, बोले ये यदि मुझे लेवल मिलती थी, आज 10 साल मैं मेरी जिंदगी के फालतू बीता है, 10 साल में मैं कहाँ के कहाँ जा सकता था। मुझे इतना ही कहना है कि लोगों में ये एजुकेशन नहीं है, चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मर तो नहीं रहा है, तो फिर डॉक्टर के पास लेके नहीं जाएंगे। अरे उसका परफॉर्मेंस डाउन है, बुद्धि अच्छी है, सब कुछ कर रहा है, और तभी भी परफॉर्मेंस डाउन है तो डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए ना डॉक्टर को कि देखो इसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। तो कितने सारे ऐसे लोग होंगे डिस्टाइमिक कि भाई वो लो मूड है, लो एनर्जी है, लो एक्टिविटी है, मगर खींच रहे। तो इनका यदि हम इलाज करते हैं तो हमारे देश का भला होगा, हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। कितने सारे 135 करोड़ के आबादी में
आपने समझो करके चलो ऐसे कि 2-3% भी लोग ऐसे हैं कि जिनको ये क्रॉनिक डिप्रेशन या क्रॉनिक परसिस्टेंट डिप्रेशन है या डिस्थाइमिया है, और वो लोगों को प्रॉपर दवाई मिलती है, तो कहाँ के कहाँ चले जाएंगे हम। ये वीडियो सबको ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, स्पेशली अभी ये एज में, कौन सा 18 से लेकर 35 साल, ये एज में यदि उसको ये मिलता है ना, कहीं के कहीं रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।